तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। दोस्तों कल वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था इसलिए नहीं आ पाई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में, ठीक है, बीए सेकेंड ईयर। क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो मैंने बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड अपलोड कर दिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सेकेंड ईयर से रिलेटेड भी वीडियो सर बनाइए। तो फाइनली हम आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम आप लोगों के आने वाले, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये पिछले साल का मॉडल पेपर है, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जो भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पद्यांशों के सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो जिसमें से आप लोगों को अंक उसके सामने उसके निर्धारित कर दिए गए, किसी यूनिवर्सिटी में 100 नंबर का मार्क्स होगा, किसी यूनिवर्सिटी में 70 नंबर का मार्क्स होगा, ठीक है, पूर्णांक। तो अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि निम्नलिखित में से तीन पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ऑप्शन का नंबर है, जब जाति कटी दुख की दुपटी कपटी ना रहे जाएं, एक घटी निकटी रुच मीच घटी टू घटी जग जीव यतिन की छूटी तटी अग ओ की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी चहु ओरन नचती मुक्ति नटी गुड़ दुर्जटी बन पंचवटी। तो ये पूरा आप लोगों को दिया गया है, एक पूरा पद्यांश जी का आप लोगों को करना है संदर्भ सहित व्याख्या। दूसरा दिया गया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली यही सो बंध्यो आगे कौन हवाल, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को करने कितने हैं, इसमें पांच दिए गए हैं, जिसमें से आप लोगों को तीन करने हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया तीन ऑप्शन, आपको पाँच मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको आ रहे हैं तीन वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके आप लोगों को इसके तीन दिन यानी कि सात्विक 21 आप लोगों को एक जो क्वेश्चन होगा वो होगा 7 नंबर का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर आपके ये क्लियर हो जाएंगे अगर आप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, आपको एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आचार्य केशव प्रसाद की अलंकार योजना की समीक्षा कीजिए, अथवा करके आपको दूसरा ऑप्शन भी मिल जाएगा। घनानंद के काव्यों में भाव सौंदर्य के साथ साथ अनुभूति सौंदर्य भी उत्कृष्ट है, यह कथन की समीक्षा कीजिए। तो समीक्षा करना मतलब उसको डिटेल में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो आपको जो आ रहा है उसके बारे में आपको डीप में लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की इसके बारे में, केशवदास के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा, वही लिखिएगा। जो आपको लगे इसके बारे में मुझे अधिक ज्ञान है उसके बारे में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तीन नंबर क्वेश्चन है कि बिहारी सत्सई का भावपक्ष और कलापक्ष की दृष्टि से विवेचना कीजिए, अथवा करके दूसरा ऑप्शन है रीतकालीन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो इस क्वेश्चन मतलब ये है, बिहारी सत्सई का भावपक्ष और कलापक्ष की दृष्टि से विवेचना कीजिए, ठीक है। उसको आपको डिस्क्राइब करके लिखना है, अथवा करके दूसरा जो है उसमें आपको विशेषताएँ रीतकाल की जो प्रमुख विशेष उसमें क्या था वो आप लोगों को पॉइंट वाइज करके तब लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन का और आंसर का जो आप लोगों के क्वेश्चन का जो अंक निर्धारित है उसके सामने कर दिए गए, 10 नंबर का है, तो यानी आप लोगों को कम से कम 1.5 से 2 पेज में क्वेश्चन का आंसर देना है, तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि 10 नंबर ऐसे एग्जामिनर नहीं देता है जब तक उसको डिटेल में नहीं मिलेगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार नंबर क्वेश्चन रीतकालीन प्रमुख काव्य धाराओं का परिचय दीजिए, अथवा करके है आचार्य महाकवि मतिराम के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो रीतकालीन प्रमुख काव्यधारा जो है उनके बारे में आपको परिचय कराना है। आपने सीरीज खरीदी ली होगी मार्केट से, नहीं खरीदी तो खरीद लीजिए, क्योंकि एग्जाम आप लोगों के आने वाले हैं। क्योंकि अब तैयारी आप अच्छे से करिए, वीडियो भी देखिए मैं जो बताता हूँ, और जो आपके क्वेश्चन बैंक है, जो भी आपके पास है सीरीज है, तो उससे भी पढ़ाई करिए, जिससे आपको दोनों में आसानी हो पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 5वां नंबर ये है कि आचार्य भरत द्वारा निरूपित नायिका का वर्णन कीजिए। तो आचार्य भरत द्वारा निरूपित नायिका का वर्णन आप लोगों को करना है, अथवा करके दूसरा ऑप्शन भी है रस सूत्र, ये संस्कृत का इतना बड़ा सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे, इसको पढ़ लीजिएगा, के अनुसार रस निष्पष्ट को स्पष्ट कीजिए। तो जो आप लोगों को आ रहा हो उसके नंबर निर्धारित नौ किए गए हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो जो आ रहा वो करिएगा। निम्नलिखित में से दो पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि, तो नंबर ऑप्शन एक मिल जाएगा, रीतकाल के प्रमुख रस हिंदी सत्सई परंपरा, और अगला है रीतकाल का नामकरण एवं समय एवं सीमा निर्धारण, और अगला है सेनापति का प्रकृति वर्णन। तो रीतकाल के जो प्रमुख रस हैं उनको आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इनमें से दो ही को करना है आप लोगों को, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से दो पर टिप्पणी लिखिए। आपके आप 4 ऑप्शन है जिसमें से दो के बारे में लिखना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा रीतकाल के प्रमुख रस लिख दीजिएगा, ओके। उसके बाद
ऋतकाल का नामकरण एवं समय निर्धारण कर दीजिएगा, या हिंदी सतसई पर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोगों को देना कम से कम एक पेज से डेढ़ पेज में देना है, ठीक है, तभी आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतने ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिलहाल इतने ही क्वेश्चन थे, जितने भी थे मैंने मॉडल पेपर है पिछले साल का मैंने आप लोगों को बता दिया, जिससे आप लोगों को कुछ भी आइडिया भी जरा सा भी लगना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बहुत स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में बाद में कि हाँ तरीका कैसे तरीका क्या है क्वेश्चन आने का, कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, अथवा होता है कि नहीं होता है। तो ये सारी डिटेल आपको इसमें मिल गई है, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरी वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर sandeepinfo.com लिखा होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से रिलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। उनको आप पढ़ के आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में आप, क्योंकि एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, हिंदी का पेपर होने ही वाला है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल दी बेस्ट। जिन स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, अगर कुछ भी पूछना चाह रहे हैं कुछ भी मॉडल पेपर, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।